आज देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग हुई। सांसदों और विधायकों ने मतदान किया है। दिल्ली में जहां संसद भवन में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केंद्रीय मंत्रियों और राजस्थान के सभी सांसदों ने वोट डाला है, तो वहीं राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले मतदान किया। अब 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक रिपोर्ट देखिएगा। देश के सर्वोच्च पद यानी कि अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले गए। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जीत के लिए रणभूमि में दम भर रहे हैं। इस चुनाव में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद पहुंचकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की। उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे राष्ट्रपति के हों या उपराष्ट्रपति के, ये लोकतंत्र की खूबी है कि हम इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। आज ये मौका है जब हमारे देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। जो उत्साह यहाँ नजर आ रहा है वो ही पूरे मुल्क में है। देखिए, जब कभी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के हों या उपराष्ट्रपति के या कोई भी हो, तो ये लोकतंत्र की खूबी है, उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। तो आज ये मौका ऐसा पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। जो उत्साह आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो पूरे मुल्क के अंदर है, ये हमारी खूबी है। और मैं समझता हूँ कि नए राष्ट्रपति जल्दी मिलने वाले हैं देश को। मेरी बहुत पहले एडवांस में बहुत ही बधाई है, शुभकामना रही। वो तो लड़ी मैंने पहले भी कहा, ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेकर नहीं होती है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। 5 बजे तक चली वोटिंग में 8 सांसद वोट नहीं डाल पाए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में यूपी, गुजरात, ओडिशा से लेकर असम तक क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। यूपी के बरेली से सपा विधायक शहजील इस्लाम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। गुजरात में एनसीपी और ओडिशा असम में कांग्रेस के विधायक द्वारा क्रॉस वोटिंग का दावा किया गया। वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदान को लेकर जानकारी दी गई। द पोल वाज कंडक्टेड इन अ पीसफुल and an orderly manner in all the designated places all over the country. Out of the 736 electors comprising 727 members of parliament and 9 members of legislative assemblies who were permitted by the Election Commission of India to vote at Parliament House, New Delhi, 730 electors comprising 721 members of parliament and 9 members of legislative assemblies cast their votes before closure of the poll, that is 5 PM. The total elector turnout at Parliament House, New Delhi was accordingly 99.18%. बता दें कि चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है।
वहीं महज 14 दलों के समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3,62,000 वोट मिलने की उम्मीद है। नतीजों का ऐलान 21 जुलाई को घोषित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।